तो वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। तो इंस्टाग्राम के रील्स पे एक नया ट्रेंड आ चुका है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस तरीके का एक ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड में आपको रील बनाना होगा, तो आप कैसे बना सकते हो इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, मैंने एकदम परफेक्ट ड्यूरेशन बताए हुए है। अगर आप इस ड्यूरेशन में आपके क्लिप्स अरेंज करोगे तो ये वीडियो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। तो इस तरीके का जो रील है, इसे अगर आपको बनाना होगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके 4 फोटोज लगेंगे और एक आपका बूमरैंग वीडियो लगेगा। बूमरैंग वीडियो आप इंस्टाग्राम ऐप से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये हो जाने के बाद आपको कोई भी यहाँ पे एक एडिटिंग का एप्लीकेशन लगेगा, आप प्ले स्टोर से कोई भी एडिटिंग का एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कैपकट एप्लीकेशन यूज़ करूँगा, ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, ये आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको कैपकट ही यूज़ करना है, आप कोई भी एडिटिंग का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं कैपकट यूज़ कर रहा हूँ। तो कैपकट जब भी आप यूज़ करोगे तो मेक श्योर कि आपके पास कोई भी एक VPN का एप्लीकेशन हो, जिसे आप VPN से मतलब कनेक्ट करो पहला, और उसके बाद ही कैपकट एप्लीकेशन यूज़ करो। क्योंकि कैपकट एप्लीकेशन में जो एनिमेशंस के वगैरह जो भी एनिमेशंस है, मतलब एनिमेशंस वाले फिल्टर वगैरह है, वो विदाउट VPN आपके काम नहीं करेंगे। इसलिए जब भी कैपकट ऐप यूज़ करोगे तभी VPN भी कनेक्ट करके यूज़ करो। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे एक सिक्योर VPN करके एक एप्लीकेशन है, तो इसे मैं सबसे पहले कनेक्ट कर लूँगा। वैसे इस एडिटिंग के लिए VPN की मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई एनिमेशन वगैरह इसमें ऐड नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर आप फ्यूचर में कोई दूसरा एडिटिंग करोगे इस एप्लीकेशन से तो इस तरीके से आप VPN ज़रूर कनेक्ट कर लेना। तो VPN कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कैपकट एप्लीकेशन है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका जो बूमरैंग रहेगा, एक बूमरैंग वीडियो रहेगा, इसका भी आपको बताया था मिनिमम ये जो है ये 5 सेकेंड का बना लेना, 5 सेकेंड से कम मत बना लेना, क्योंकि बाद में फिर वो ऑडियो के साथ एडजस्ट नहीं होगा। तो मिनिमम 5 सेकेंड का एक बूमरैंग बना लेना। तो यहाँ पे मैं एक ये बूमरैंग सिलेक्ट करूँगा और बाकी के 4 फोटोज़ इस तरीके से आपको सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऐड फाइल का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। ये हो जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, नीचे आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर जाना है। 9:16 को रेशियो इसे सिलेक्ट करना, यहाँ पे बैकवर्ड एरो एक दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके ऊपर टैप करना है। अभी हर एक जो बूमरैंग ऐड किया अभी है बूमरैंग को ऐसे सिलेक्ट करना है और इसे 2 उंगलियों की मदद से ऐसे जूम करना है, जिससे वो उस फॉर्मेट में फिट हो जाए। बाकी सारे इमेजेस जो फोटोज है उनको भी इस तरीके से आपको जूम कर लेना है। तो ये 4 फोटोज को मैं इस तरीके से अभी जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये हो जाने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे एक एंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। नीचे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर टैप करके इसे डिलीट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड ऑडियो का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर टैप करना है। नीचे एक साउंड का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो एक एक्सट्रैक्टेड ऐसे एक ऑप्शन दिखेगा और दूसरा एक फ्रॉम गैलरी ऐसे ऑप्शन दिखेगा। तो आपको करना क्या है, जो फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे इस वीडियो के लिए जो बैकग्राउंड ऑडियो लगता है उसे यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। तो यह बैकग्राउंड ऑडियो आपको कहाँ से मिलेगा, तो बैकग्राउंड ऑडियो जो है वो मैंने मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप जैसे जाओगे तो उसमें आपको ये बैकग्राउंड ऑडियो मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड करना है। इसके बाद ये फ्रॉम डिवाइस का ऑप्शन है, इस पर जाना है। यहाँ पे आपको आपके मोबाइल में जितने भी सॉन्ग है उनके लिस्ट दिखेंगी, तो यहाँ पे वो वाला ऑडियो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद वो जो भी ऑडियो रहेगा उसे सिलेक्ट करने के लिए ऑडियो के सामने एक प्लस का आइकॉन है, उसके ऊपर आपको टैप करना है, जिससे वो ऑडियो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे अभी यहाँ पे ये प्लस का आइकॉन है, इसके ऊपर मैं आपको टैप करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो इंपोर्ट हो चुका है। अभी आपको करना क्या है, ये जो फर्स्ट आपने बूमरैंग यहाँ पे ऐड किया है इसका ड्यूरेशन आपको 5.4 सेकेंड रखना है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ 5.4। तो ऐसे करने के लिए क्या करना है, अभी जहाँ पे बूमरैंग एंड होता है वहाँ पे उसका एक पॉइंट रहेगा, उसे इस तरीके से आगे पीछे आपको ड्रैग करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे 5.4 में ड्रैग, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 5.4 आ चुका है। 5.4 आपको यहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दिखेगा। इसके बाद जो फर्स्ट फोटो है, फर्स्ट फोटो का ड्यूरेशन आपको 0.7 सेकेंड इतना रखना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा जूम करोगे तो आपको स्पेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका 0.7 रखना है। तो ये 0.7 हो जाने के बाद जो सेकेंड फोटो है उसका 0.6 रखना है आपको। ये 0.6 हो जाने के बाद थर्ड फोटो उसका फिर से 0.7 रखना है आपको ड्यूरेशन।
तो ये इसके बाद जो लास्ट फोटो है वो आपको जहाँ तक ऑडियो है वहाँ तक आपको उसका ड्यूरेशन रख देना है, मतलब ऑडियो यहाँ पे ख़त्म होता है तो यहाँ तक आपको ये वर्टिकल वाइट लाइन लेके आनी है। इसके बाद जो फोटो है इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है, फिर बचा हुआ राइट साइड का जो हिस्सा है इसे डिलीट कर देना है। ये हो जाने के बाद जो फर्स्ट आपने बूमरैंग ऐड किया है वहाँ पर आपको आना है। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट का, इसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है और यहाँ पे अभी टाइप करना है आपको वन बूम, ये बूमरैंग को शॉर्ट में बूम बोलते हैं। उसके बाद फोर फोटोज, तो फोटोज का स्पेलिंग आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब FOTOS, क्योंकि जो ट्रेंड है उसमें इस तरीके का स्पेलिंग लिखा जा रहा है, और दूसरा आपको फोटोज का स्पेलिंग तो पता ही होगा, तो इस तरीके से यही स्पेलिंग में मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, नीचे एक टिक मार्क का ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद ये जो टेक्स्ट ऐड किया है इसे सही से पोजीशन में रख देना है, जैसे अभी यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ। इसके बाद आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टाइल का, इसमें आओगे तो यहाँ पे कुछ मतलब इस तरीके से इसे आप कलर वगैरह कर सकते हैं, कलर वगैरह या स्ट्रोक वगैरह दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से स्ट्रोक दूंगा। उसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये सारे ऑप्शन तभी मिलेंगे जब भी आपने VPN से कनेक्ट किया रहेगा, तभी ये वाले ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो इस तरीके से मैं इसे कर दूंगा, ये हो जाने के बाद ये जो आपने टेक्स्ट ऐड किया है इसे आपको ड्रैग करना है, जहाँ तक आपका बूमरैंग है उसकी लेंथ तक आपको इसे ड्रैग करके लेना है, जैसे इस पॉइंट तक। इसके बाद अगर आप इस वीडियो को प्ले करके देखोगे तो यहाँ पे आपका ये जो ट्रेंड वाला वीडियो है ये रेडी हो चुका है, तो और भी इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हो जाने के बाद सिंपली आपको करना क्या, राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक अपवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे रिजोल्यूशन सिलेक्ट करना है, फ्रेम रेट सिलेक्ट करना है, और नीचे एक्सपोर्ट का एक बटन दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना है। जैसे एक्सपोर्ट के बटन पर टैप करोगे यहाँ पे आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। इसके बाद जो ये जो वीडियो एक्सपोर्ट हुआ है आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इंस्टाग्राम के रील्स पे आप इसे अपलोड कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।